बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता देश के सपनों का प्रतिनिधित्व है और बीजेपी एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र पर चल रही है। इस दौरान पीएम मोदी ने वो तीन बातें भी बताई जिनकी वजह से बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस और भी ज्यादा खास हो गया है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में अभी दो तरह की राजनीति चल रही है, एक है परिवार भक्ति की और दूसरी है देशभक्ति की। देश में कुछ राजनीतिक दल हैं जो अपने परिवार वालों के लिए काम कर रहे हैं और बीजेपी ने ही परिवारवाद के खिलाफ बोलना शुरू किया है, इसे चुनावी मुद्दा बनाया और लोगों को समझ आ गया है कि परिवारवादी सरकारों लोकतंत्र की दुश्मन है और संविधान को कुछ नहीं समझती। इसके पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस बार का स्थापना दिवस तीन वजहों से बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। पहला कारण है कि इस समय हम देश की आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये प्रेरणा का बहुत बड़ा अवसर है। दूसरा कारण है तेजी से बदलती हुई वैश्विक परिस्थितियां, बदलता हुआ ग्लोबल ऑर्डर, इसमें भारत के लिए लगातार नई संभावनाएं बन रही है। तीसरा कारण भी उतना ही अहम है। कुछ सप्ताह पहले चार राज्यों में भाजपा की डबल इंजन की सरकारें वापस लौटी हैं।